लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। प्रतिबंधित संगठन हेनोट्रिप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में संगठन ने औपचारिक रूप से राज्य और केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता से अपनी वापसी की घोषणा की। ये निर्णय HNLC की मूलभूत मांगों को संबोधित करने में गंभीरता की कमी के जवाब में आया है, जो मूल रूप से जनवरी 2021 में प्रस्तुत किए गए थे। HNLC की सामान्य मांगों, जिनमें संगठन पर से प्रतिबंध हटाना, कैडरों के खिलाफ लंबित मामलों को वापस लेना और एक सुरक्षित माप की स्थापना शामिल है, जो सरकारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, 5 में से केवल 2 मांगें मानी गई। बयान में HNLC ने चल रही चर्चों के बावजूद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और राज्य स्तर द्वारा जारी समन नोटिस का हवाला देते हुए शांति वार्ता के दौरान दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में सरकार की विफलता पर निराशा व्यक्त की। संगठन, जो कभी शांति वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल था, अब चेतावनी किए अगर सरकार ने उनकी मांगों की अनदेखा जारी रखी तो संभावित हिंसा हो सकती है। वे इस बात पर जोर देती है कि संवैधानिक ढांचे के भीतर लचीलापन का प्रदर्शन करने के बाद ये सरकार की कठोरता है जिसका कारण शांति प्रक्रिया टूट गई है। दायरे से निरंतर आक्रामकता की और बदलाव के संकेत देते हुए प्रेस विज्ञप्ति का समापन किया, जिसमें कहा गया कि हिंसा का सहारा लेना एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे सरकार समझती है। संगठन शांति वार्ता की विफलता पर खेद व्यक्त करते हुए सार्थक बातचीत के लिए सरकार को उनकी चिंताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।